दोस्तों अब बज गए हैं घड़ी में 10:30 और अब मैं कर रही हूँ भोग की तैयारी। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बहुत से लोग कुछ पहले बना के रख लेते हैं पर मैं नहीं बनाती, मैं व्रत वाले दिन ही बनाती हूँ और वो भी इसी टाइम बनाती हूँ हमेशा। तो भोग में क्या क्या लगेगा वो हम सबसे पहले बनाएंगे। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, हम सबसे पहले बनाएंगे आटे की पंजीरी। आटे की पंजीरी कान्हा जी को बहुत पसंद थी और बहुत से धनिये की पंजीरी भी बनाते हैं, पर मैं बनाऊंगी आटे की पंजीरी और साथ में ही निकालूंगी मक्खन अभी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा मक्खन का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जैसे कि टाइम बढ़ता जाएगा, पूजा करनी है हमें और उसी टाइम के बाद जब हम मक्खन चखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ आटे की पंजीरी। सबसे पहले मैंने सब्जी बना रखी है, मुझे सिर्फ पूड़ी बनानी है, खीर भी मैंने बना रखी है, पर जो मेन भोग का सामान होता है वो मैं अभी बना रही हूँ आप लोगों के सामने। और वो जो पहले खाना बनाना था, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं हमारे घर में, जैसे मेरे ससुर जी हैं, सास हैं, तो उन लोगों को भी खाना होता है, तो इसलिए मैं पहले बना लेती हूँ। हम व्रत वाले ही तो नहीं खाएंगे और सब तो खाना खाएंगे, इसीलिए। तो आटे की पंजीरी के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले आटे को छान कर देसी घी में भूनना है। तो वो मैं करती हूँ, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अभी। ये मैंने आटा छान लिया है, मैंने थोड़ा ही आटा लिया है, उसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, मैंने ज्यादा नहीं लिया है, एक कटोरी आटा लिया है, आप अपने घर के अनुसार ले सकते हो। और ये है देसी घी, हम डाल देंगे हम इसमें आटा। अब मैं इसे धीमी आंच पे भूनूंगी। सबसे पहले मैं पंजीरी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पंजीरी को ठंडा होने में टाइम लगता है और गरम गरम हम भोग नहीं लगा सकते, गरम गरम हम खुद नहीं खा सकते तो कान्हा जी को कैसे खिलाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले पंजीरी। और अब मैं जा रही हूँ, पंजीरी मेरी इस तरफ बन रही है, मैं दूसरी तरफ, ये दही है मेरी, तो मैं माखन निकालने की कोशिश करती हूँ कि कितना माखन निकलता है। थोड़ा सा भी माखन निकले, कान्हा जी को तो सूंघना होता है, एक खुशबू जानी होती है उनके पास तक, तो वो पहुंच जानी चाहिए। माखन निकालने से पहले दोस्तों मैंने चीनी पीस लिया है, क्योंकि चीनी हमारी पंजीरी में लगेगी। बूरा डाल सकते हैं पर मैं घर की चीनी ही डाल रही हूँ, बूरा और चीनी एक ही बात होती है, तो मैंने चीनी को पीस लिया है और वो पीस कर मैं डालूंगी। हम साबुत डालते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है, इसे मैं साफ बर्तन में निकालूंगी। दोस्तों मेरा इस बार माखन नहीं निकल पाया, ये पूरी दही बन गई। माखन निकालने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा, एक बार और ट्राई करूंगी मैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं कुछ हो पाए। तो जब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ, जैसे कि मैं ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ, मुझे इसमें पंजीरी में भी डालना है मुझे ड्राई फ्रूट, तो मैं वो तैयारी कर लेती हूँ और ड्राई फ्रूट का भोग भी लगाना है, तो मेरे दोनों ही काम हो जाएंगे। दोस्तों मैंने ये ड्राई फ्रूट भी कट कर लिया है, ये मेरा हो गया रेडी। अब मुझे करना है फल, मैं जल्दी जल्दी अब काम करती हूँ, तो मैं
जाएंगी पूजा के लिए लेट। मेरी पंजीरी कुछ हद तक भून गई है, जैसे कि मैंने एक तरफ बना लिया है, ये मैंने पंचामृत बना लिया है, थोड़ा सा ही बनाया है दोस्तों मैंने, और इसमें भी मुझे डालने हैं। और ये कुछ फ्रूट्स हैं जो मैं ये काटूंगी भगवान को चढ़ाने के लिए। ये तो इसमें पंजीरी को जब तक भूनना है हल्का रेड कलर सा ना आ जाए, और इसे जब तक ही हमें भूनना होता है। और ये मेरी पंजीरी भून के तैयार है, और ये मैं थोड़े छोटे छोटे स्लाइस कान्हा जी के लिए आप लोगों के पास में जो सुविधा हो उससे भोग लगाइए। जरूरी नहीं होता कि हम ये बनाए वो बनाए, मन की श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप लोग मन से कुछ भी बना रहे हो और साफ सुथरा खाना बना रहे हो तो सब भगवान स्वीकार करते हैं। अब ये है कान्हा जी का फेवरेट खीरा, मैं इसको छील लेती हूँ। इसे भी मैं छोटे छोटे स्लाइस ही करा दूंगी। अब दोस्तों मैं पूरा सामान रेडी कर लेती हूँ क्योंकि मैं हो जाऊंगी पूजा के लिए लेट, और मैं आप लोगों के साथ में सारा सामान दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान से भोग लगाया। दोस्तों मेरा भोग भी तैयार हो गया और टाइम भी पास कर गया, तो मैं भोग में आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ। ये देखिए मैंने ये पंजीरी बनाई है, फल की भोग लगाना है मुझे, मेवा का भोग लगाना है, खीर का, और ये रहा एक और भोग। और मैंने सारा रेडी कर लिया है, अब मुझे ले जाना है एक गिलास पानी, वो मैंने जल भी रख रखा है। और ये मैंने कान्हा जी के लिए इनमें भोग रखा है जो कि मैं सुबह गाय को दूंगी, और मैं अब जल्दी से करती हूँ, जैसे मैं पूजा करती हूँ आप लोग भी आ जाइए। सबसे पहले दोस्तों मैं करूंगी ये पंचामृत से कान्हा जी और राधा जी को स्नान कराऊंगी। मैंने सुबह करवा चुकी हूँ पर मैं अभी छींटे डालूंगी जिससे, क्योंकि अभी कान्हा जी का जन्म हुआ है। आते आते अभी देखो सिंह आ गया है कितना टाइम है।